सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाड़ा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्लो। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियों ते। मिजोरम विच पुलट हैन नाल वापरे हादसे का मामला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे उत्ते कीता दुख दा इजहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुल हादसे नूं लैके मिजोरम के राज्यपाल अते मुख्यमंत्री नाल कीती गल। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला विच G20 यूनिवर्सिटी कनैक्ट समारोह विच कीती शमूलियत। कहा, पंजाब सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी की वित्तीय हालत विच सुधार लई वचनबद्ध। पंजाब दे सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने किया वड्डा ऐलान। कहा, पंजाब दे सारे स्कूल 26 अगस्त तक बंद रखे जाणगे। भारी मीह के मद्देनजर पैदा हुए हालात के मद्देनजर कीते गए स्कूलों में छुट्टियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिजोरम के राज्यपाल हरी बाबू कंबमपती अते मुख्यमंत्री नाल गलबात कीती है। उन्हां नूं सूबे विच एक निर्माणाधीन रेलवे पुल के ढहण नाल 17 मजदूरों की मौत के सिलसिले में हर संभव मदद का भरोसा दिता है। यह हादसा मिजोरम की राजधानी आइजोल तो तकरीबन 21 किलोमीटर की दूरी उत्ते सैरांग इलाके में सवेरे 10 बजे वापरिया। इस हादसे में 17 मजदूरों की मौत हुई है। पुलिस अनुसार हादसे वाली जगह उत्ते कई होर लोगों के फसे होने का खदशा है, क्योंकि घटना के समय उत्थे 30 से 35 मजदूर मौजूद सन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स उत्ते कीती एक पोस्ट में कहा कि मिजोरम में वापरे दुखद हादसे तो बेहद दुखी ने। उन्होंने मिजोरम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नाल गलबात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिता है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम निर्माणाधीन रेलवे पुल के ढहण नाल हुई मौतों से सोग जाहिर किया। उन्होंने मृतकों के परिवारों लई मुआवजे का भी ऐलान किया है। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच G20 कनैक्ट एनगेजिंग यंग माइंड्स लैक्चर सीरीज प्रोग्राम विच शमूलियत की है। इस मौके उन्होंने इस उपराले लई यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अरविंद की शलाघा की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यूनिवर्सिटी को समय सिर ग्रांट जारी कर रही है, जबकि पहलों वाली सरकारों ने इस गल वल कोई ध्यान नहीं दिता। देखो, अज G20 के प्रोग्राम तहत पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने एक सैमीनार करवाया। बड़े एमिनेंट प्रोफेसर साहबान ने, मानयोग वाइस चांसलर साहब ने बड़ा अच्छा जिहड़ा हैगा कीनोट भाषण दिता गा। और पंजाब की इकोनमी की किस तरह ग्रोथ होनी है और पंजाब किस राह ते इकोनमी चल रही है, वो सारी डिस्कशन हुई है। बड़ा अच्छा लगेगा। और बच्चों नाल जिहड़ी नवी यंग जनरेशन आ, उन्होंने किवें वर्ल्ड लैवल ते कनैक्ट करना, सारे जिहड़े विचार हजे भी लगातार चल रहे हैं। ग्रांट की गल की है, जिहड़ी ग्रांट जारी की गई है यूनिवर्सिटी भी कुछ दी गई, तुहानूं लगता भी राहत मिलेगी? क्योंकि पहले जी यूनिवर्सिटी लगातार घाट के जा रही थी, तुम्हें लगता है कितना कितने जी हूँ मलम लगनी शुरू हुई है यूनिवर्सिटी? बिल्कुल, असी जिनी ग्रांट असी कमिट की सी कि 30 करोड़ रुपया पर मंथ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला मिलेगा, लगातार आ रही है। बिल्कुल कोई भी सैलरी रुक नहीं रही, लगातार जारी हैगी। सो होर भी जो वित्तीय संकट आया है उन्होंने भी कढ़ने लिए असी यतनशील हाँ। बिल्कुल पंजाबी यूनिवर्सिटी के, क्योंकि साड़ी मात भाषा पंजाबी समर्पित यूनिवर्सिटी आ और इनू इस क्राइसिस चो कढ़ना साड़ी जिम्मेवारी आ। पुरानियां सरकारां ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, पुराने समय के दौरान बड़िया जड़िया मैसा बेस समझिया हुई ने, बेसमझिया दूर करना साड़ी जिम्मेवारी आ, असी लगे हुए हैं। क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला मालवे की को सिरमौर यूनिवर्सिटी है, जी बहुत बड़े पद्धर से गरीब विद्यार्थियों जोड़ा है, लोड़वंद विद्यार्थियों वह एजुकेशन देती है। पंजाब विच भगवंत मान सरकार ने हड़ा कारण फसलों के हुए नुकसान लिए मुआवजा राशि जारी की। इस दौरान पंजाब के खजाना मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों उन्होंने फसल के नुकसान का बनता मुआवजा जल्द देगी। दस दिए कि लंघे दिन पंजाब सरकार ने हड़ प्रभावित जिले में फसलों के नुकसान लिए 186 करोड़ रुपए की राशि जारी की। बिस्तरे का भी मुआवजा, बेड का भी मुआवजा, की लगता तुम्हें जायजा है? देखो, कुछ क रूल जिहड़े ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हुए ने कि उन्होंने रूल रिलैक्स करने के लिए असी लिख के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने रूल रिलैक्स करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया। पर लेकिन पंजाब सरकार जिहड़ी आ, पंजाब के अंदर हड़ां दा जिथे भी नुकसान होया, जिस भी व्यक्ति का नुकसान होया, चाहे इंडिविजुअल होया या उसकी फसल का होया, उसनूं असी 100% भरपाई करांगे। पंजाब के सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों मुताबिक हिमाचल प्रदेश समेत पंजाब के वख-वख जिलों में हो रही भारी बारिश कारण आए हड़ों को ध्यान में रखदे सुरक्षा के मद्देनज़र पंजाब सरकार वालों
तुरंत प्रभाव नाल सूबे दे सारे सरकारी एडेड मानता प्राप्त ते प्राइवेट स्कूलां विच 26 अगस्त तक छुट्टियां कीतियां जांदियां ने। अज चंद्रयान 3 दा लैंडर चन्न उत्ते सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। इसकी सफलता लई देश भर में सवेर तो ही भजन कीर्तन दुआवां ते अरदासां दा दौर जारी है। इस तहत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी आगू मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली कमेटी के जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालों गुरद्वारा बंगला साहब में नतमस्तक हुए। इस मौके गुरद्वारा बंगला साहब के हेड ग्रंथी ज्ञानी रणजीत सिंह ने अरदास की। पुरी ने कहा कि अज भारत इतिहास सिरजन जा रहा है। आज जो गुरुद्वारा साहब में स्पेशल अरदास हुई है चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए, वो सिर्फ यहाँ ही नहीं देश भर में आप हमारे सारे जो भाई बहन हैं, देश की सारी जनसंख्या यही प्रार्थना कर रही है कि आज चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग होगी सक्सेसफुल होगी और भारत विश्व भर में उन देशों में शामिल होगा जिन्होंने ऐसी अकम्प्लिशमेंट को हासिल किया है। और चंद्रयामा पे साउथ पोल पे लैंडिंग ये पहली भारत की होगी और हम उस सब के लिए अरदास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और दिल से हमारी सारी जो जनसंख्या है, आप अभी देखेंगे हम सब सारे जो हमारे धार्मिक स्थान है किसी भी रिलीजन का हो वो भारत की, क्योंकि ये जो जहाँ से आप देखिए ये यात्रा कहाँ शुरू हुई थी और आप माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम कहाँ पहुँच गए हैं। सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, इसमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, और मैं सिर्फ यही चाहूँगा अभी हम अपनी प्रार्थना अरदास को कंटिन्यू रखें। और आज गुरुद्वारा बंगला साहिब और आज सवेरे गुरुद्वारा सीसगल साहिब विखे भी अरदास की गई है संगती रूप दे विच कि जो भारत वालों इसरो दे वालों जो चंद्रयान 3 जो कि सैटेलाइट चंद्रमा के उत्ते लैंड करना है अज शाम 6 बजे उसकी सेफ लैंडिंग होवे और उस तो बाद भारत का देश का नाम बहुत उच्चा होएगा, सुनहरी अखरों के लिखा जाएगा, क्योंकि सिखा ने हमेशा ही इस देश की तरक्की दे विच अपना योगदान पाया है। और चाहे वह बॉर्डर होन, सरहंदा होन, दुश्मनों के नाल लड़ाई होए, हर जगह के उत्ते सिखा ने मल्लां मारियां, इस देश वास्ते कुर्बानियां कीतियां। सो इस करके अज असी अरदास करते हाँ चंद्रयान 3 सेफ लैंडिंग करे और देश का उन्ना विकासशील देशों के नाम होवे। आज माननीय हरदीप पुरी जी के और माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, वरिंदर सचदेवा जी के साथ सामूहिक साध संगत ने गुरुद्वारा बंगला साहब में चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए अरदास की है। इस अरदास में सारे लाखों करोड़ों संगत जो है साथ में है। पटना साहब गुरुद्वारा साहब में अरदास की गई, आज सुबह गुरुद्वारा सीसगंज साहब में अरदास की गई, हम सब ने अरदास किया है और हमारी गुरु साहब के चरणों में ये बेनती है कि ये साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हो, उसके लिए हम सब एकत्रित हुए। कोई और राजनीति किसमें सवाल ना करें, गुरुद्वारे की जगह है। बस मैं आपको कहूंगा कि फिर पुरी साहब आपके पास आएंगे। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो के तीजे चंद्रमा मिशन तहत चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह उत्ते उतरने लिए तैयार है। भारतीयों को उम्मीद है कि इस बार भारत चंद्रमा उत्ते सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचेगा। इस दौरान चंडीगढ़ और हरियाणा समेत कई सूबों में स्कूलों में विद्यार्थियों को चंद्रयान 3 के चंद्रमा उत्ते सॉफ्ट लैंडिंग लाइव वेखण का प्रबंध किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी सॉफ्ट लैंडिंग लिए शुभकामनाएं दीं। सितारों से भी आगे बढ़ने के संकल्प के साथ हम चंद्रमा पर पहला कदम रखने जा रहे हैं। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरने जा रहा है। पूरा देश दम साधे इस महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में लगाई गई इस बड़ी छलांग पर आज पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं। यह हमारी ही नहीं मानव मात्र की उपलब्धि होगी। मैं इस मिशन की सफलता की कामना करते हुए
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व हमारे वैज्ञानिकों को अग्रिम बधाई देता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ, जिन्होंने हर क्षण वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। ये मिशन उनके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। 1984 से कत्लेआम के मामले में जनकपुरी और विकासपुरी में हुए कत्लों के मामले को लेकर दिल्ली की एक अदालत में आज सुनवाई हुई। जनकपुरी और विकासपुरी में सिखों के कत्लेआम के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार खिलाफ दोष तय किए ने। अदालत ने सज्जन कुमार खिलाफ वख-वख धाराओं के तहत दोष तय किए ने। अदालत ने सज्जन कुमार विरुद्ध कतल की धारा 302 को रद्द कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। अदालत ने दसा गया कि सज्जन कुमार इस मामले में हिरासत में नहीं है। इस मामले में सज्जन कुमार जमानत पर है। उधर इस मामले को लेकर दिल्ली कमेटी के जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालू ने कहा कि सज्जन कुमार खिलाफ धारा 302 लगनी चाहिए सी। उन्होंने कहा कि इस मामले को हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। अज 1984 के सिख कतलेआम के एक केस में जनकपुरी थाने ते विकासपुरी थाने दिया दो FIR हुई सी, जिदे विच सज्जन कुमार दे उत्ते दोष सी कि उस मॉब नू लीड कर रहा सी। लगातार 1984 तो लैके हुण तक ये केस लटकता पिया सी। SIT वालों इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों SIT दे नाल मिलके इस केस की पैरवाई की गई और अज मानयोग अदालत राउज एवेन्यू जज साहब नागपाल साहब दे उन्होंने अज चार्ज फ्रेम किए आ, जिदे 307 295 147 148 109 बहुत सारिया धारावां के तहत चार्ज फ्रेम होए सज्जन कुमार के खिलाफ। अबैटमेंट जी अप्रूव हुई है कि सज्जन कुमार उस केस के मॉब न लीड कर रहा है जिदे करके सिखा का कतलेआम होया। लेकिन अफसोस इस गल का है कि इन्ने साल बाद जब ये अज चार्ज फ्रेम हुए तो जो SIT ने रिकमेंड किया धारा 302 जी कट दी गई आ, जिदे कतल का जोड़ा दोष है। लेकिन असी हूँ इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट के जावे, जिथे हाई कोर्ट च अपील करांगे कि बाकी धारावां दे नाल जिथे बाकी धारावां मानयोग अदालत ने लगाईयां है उन्होंने करके असं उन्हों का धन्यवाद करते हैं। उत्थे नाल ही हाई कोर्ट के अपील करांगे कि धारा 302 जी ऐड की जाए और इस तो बाद ट्रायल होएगी। सज्जन कुमार जिन्ना वो दोषी सी, जो उसने जुल्म ढाए सन, उसकी सज़ा एक एक करके उसको बदला लिया जाएगा। पहले केस के अंदर है, दूजे केस चार्ज फ्रेम होया और थोड़े दिन बाद ही जल्दी तीसरे केस के भी उसनू सज़ा होएगी। ये जो उसने पाप किए उसने पाप की सज़ा उसनू मिल रही है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ये सुनिश्चित करेगी कि 1984 के सारे जिहड़े विक्टिम है उन्होंने इंसाफ मिले। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका का जन्मदिन कालका जी विखे मनाया गया। इस मौके सुखनी साहब जी के पाठ किए गए। इलाका निवासियों के पतवंती सज्जनों ने कालका को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके कालका ने केक कटे ते दिल्ली दी समूह सिंह सभावां दे नुमाइंदियां स्त्री सत्संग सभावां दे नुमाइंदियां ने कालका नूं बधाई दी ते उन्हां दी लंबी उम्र की कामना की है। हरमीत सिंह जी कालका जी का जन्मदिन कालका जी और दिल्ली की समूह संगत कालका जी दफ्तर विखे मना रही हैं। सतसंगत जी, अज का यह जन्मदिन जिसकी शुरुआत श्री सुखमणी साहब जी के पाठ तो आरंभ करते हुए हुई हैं, तो नाल ही हुण दिल्ली दिया समूह सिंह सभावां जथेबंदियां इसत्री सत्संग सभावां दियां बीबियां वारों वारी इत्थे आके अपने वधाइयां दे संदेश दे रही हैं। असी ये अरदास करते हाँ, आस करते हैं कि प्रधान साहब जिस तरह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी ही मुख्य सरपरस्ती श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट की निभा रहे हैं, वाहेगुरु उन्होंने लंबी उम्र बख्शे और इस तरह ही देश कौम की सेवा करने का बल बख्शे। अज 23 अगस्त 2023 साढ़े प्रधान दिल्ली कमेटी के सरदार हरमीत सिंह जी कालका जी का जन्म दिहाड़ा है। असी अज उन्हों जन्मदिन बर्थडे सारिया संगत कालका जी दिल के सैलीब्रेट कर रही हैं, तो असं उन्होंने वास्ते अरदास भी कर रहे हैं कि इस तरह ही वो सिख कौम की देश की सेवा करते रहन। वाहगुरु जी इन्होंने जो सेवा बख्शिया ने वो सेवा आप ही लेंदे रहन, तंदुरुस्ती बनी रहे, इस तरह ही सिख कौम की देश की सेवा करते रहे। भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद वालों 16 किसान जथेबंदियों के सदे तहत पुलिस थाना लौंगोवाल के अगे दूसरे दिन भी हजारों किसानों समेत रोस धरना दिता गया। इस मौके किसान आगुओं ने कहा कि
कि पुलिस उन्होंने धक्केशाही कर रही है। भारतीय किसान यूनियन एकता जद के सूबाई आगू मनजीत सिंह नियाल की अगवाई में वख-वख किसान जथेबंदियों के बुलारियों ने संबोधन करदे कहा कि पंजाब सरकार हड़ां तों पीड़ित परिवारों को फौरी मुआवजा वंडन में कथित तौर पर असफल रही है। आगुआ ने कहा कि उन्हें मुआवजा राशि वधाने ते बासमती फसल उत्ते MSP की मंग नूं लैके चंडीगढ़ दे विच केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष करना सी, पर पंजाब पुलिस ने उन्होंने रोक के उन्होंने धक्का किया है। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने पंजाब पुलिस की इस धक्केशाही की निखेधी की है। अच्छ मैं समझदा कि जो इन्होंने जबर किया जिस तरह किसानों के उत्ते उठे केस बनाए गए हैं साडे लौंगोवाल होर एरिए दे काफ़ी वड्डी गिणती दे विच किसानों के उत्ते सगों उन्होंने उत्ते केस 307 दे परचे दर्ज कर दिते कितनी माड़ी गल है। सो मैं ये मंग करदा प्रधान जी होस्ट विच आओ तुसीं और सानू लोगों ने बहुत वड्डा फतवा दे के बंद भी सीटा दे के जताया गा। अज लोगों की पुकार सुनो, लोगों की गल सुनो, उसकी सुनने के बजाय ना लाठियां मारो ना शहीद करो। स्पैशल टास्क फोर्स STF ने हैरोइन तस्करी के धंधे में शामिल 3 समगलरों को गिरफ्तार किया। इन्होंने तस्करों के कब्जे में 41 किलो हैरोइन बरामद की गई। हैरोइन की वड्डी खेप पाकिस्तान तो भारत पहुंची सी। तीनों तस्कर खेप में किसी को पहुंचाने वाले सन, पर STF ने इसकी सूचना मिलने तो बाद जाल बिछा के तिना काबू किया गया। समगलर रावी दरिया राही भारत में नशीले पदार्थों की खेप लियाते सन। पुलिस तस्करों तो पूछगिछ कर रही है। प्राप्त जानकारी मुताबिक STF ने अधी रात को पाकिस्तान तो 41 किलो हैरन आने की सूचना मिली थी, जिस तो बाद AIG STF की निगरानी में एक टीम बनाई गई। रमदास सैक्टर में कार्रवाई करते हुए टीम ने हैरन बरामद करने सफलता हासिल की। पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन दौरान बीती रात को रावी दरिया राही बॉर्डर पार पाकिस्तान तो हैरन की तस्करी करने वाले तस्कर आग्यापाल सिंह, रणजोत सिंह और संदीप सिंह को काबू किया गया। उनके कब्जे में 41 किलोग्राम हैरोइन और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। एक आग्यापाल सिंह नाम का जिहड़ा तस्कर सीगा ते नाल उहदे दो जने होर सीगे, एक रणजोत सिंह एक संदीप सिंह। उन्होंने अरैसट करके उन्होंने कोलों लगभग 41 किलो जिहड़ी हैरोइन रिकवर हुई आ। ते इस रिकवरी दे विच इह गल सामने आई आ कि जिहड़ा आग्यापाल सिंह है ये पाकिस्तानी तस्करां दे नाल अक्सर तस्करी दे विच शामिल है। इहदे ते पहलां भी एक मुकदमा दर्ज है, रणजोत सिंह के उपर भी एक मुकदमा दर्ज है जिहड़े कि अंडर ट्रायल चल रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन च जिहड़ियां गल्लां सामने आउणगियां वो तुहाडे नाल शेयर कर दित्तियां जाणगियां। जिहड़ा आग्यापाल सिंह है इहदी पाकिस्तान तस्करां दे नाल अक्सर जिहड़े फोन दे उपर टाई अप करदा, फिर आपस दे विच प्लैन करके दरिया दे राही हैरोइन मंगवा लैंदे आ। फिर हैरोइन मंगवा के जिहड़ी उह लोकेशन ते रख के जांदे आ जां इह मंगवाउंदे आ उत्थों चक के फर्दर अगे सप्लाई कर दिंदे आ। लुधियाणा के सरकारी स्कूल बद्दोवाल में लैंटर डिगण कारण 4 अध्यापक इस दे मलबे हेठ दबे गए, जिन्हां विचों 1 अध्यापक की मौत हो गई है। मलबे हेठों कढ़न मगरों 4 नूं नजदीकी हस्पताल पहुँचाया गया, जिथे 1 अध्यापक की हालत गंभीर बनी हुई सी, बाद विच उसने दम तोड़ दिता। मृतक अध्यापक की पहचान रविंदर कौर वजों हुई है। इस घटना कारण हर पासे सोग की लहर फैल गई है। दरअसल स्कूल में इमारत की दूजी मंजिल से काम चल रहा है, जिस दौरान लैंटर उत्ते वजन पैण कारण पहला उपरली मंजिल का लैंटर टुटिया। इस नाल पहली मंजिल का लैंटर भी ज़्यादा वजन पैण करके टुट गया। स्टाफ रूम में खाना खा रही 4 अध्यापकां इस दे मलबे की लपेट में आ गई। इन्हां विच इंदू राणी, सुखजीत कौर, नरेंद्रजीत कौर और रविंद्र कौर शामिल सन। इन्हां विचों रविंद्र कौर की मौत हुई। इस मौके हलका विधायक मनप्रीत सिंह एली का कहना है कि स्कूल में उसारी का काम चल रहा है, इस विच कथित नंगेली के चलते ही यह हादसा वापरिया। फाजिलका तो विधायक नरेंद्रपाल सिंह सभना वालों लादूका में हड़ प्रभावित लोगों लिए बनाए गए राहत कैंप का दौरा किया गया। उन्होंने राहत कैंप में रह रहे लोगों को कुछ समय बिताया तो उनका हाल चाल जाणिया। इस मौके उन्होंने लोगों को दसा कि पंजाब सरकार हड़ प्रभावित लोगों के नाल चट्टान वांग खड़ी है और हर प्रकार की मदद की जा रही है। विधायक नरेंद्रपाल सिंह सभना ने दावा किया कि पानी घटना शुरू हो गया तो बहुत जल्द कैंपों में रह रहे लोग वापस अपने घर तक जा सकेंगे। सब तो पहला जो रात असी बन टुटिया सीगा वो बन भरवाया, वो जिहड़ा पानी टुट गया सी उहनूं बंद कीता। उस तो बाद असी जिहड़े पिंडां दे विच सानूं जिहड़ी प्रॉब्लम पिंडां दे विच जो पता चल रहा सी पीण वाले पानी की बड़ी जिहड़े पुल तों पारले पिंड ने पीण वाले पानी की दिक्कत आ रही थी, उहदे विच कैनियां वाला जिहड़ा असी पानी पहुँचाया, लंगर पहुँचाया और उस तो बाद कई पिंडां दे विच फीड की लोड़ सीगी,
जिमें राम सिंह भैनी महात्म नगर उधर असी फीड का जोड़ा इंतजाम किया और उस तो बाद मैं सारे राहत कैंपा के जा रहा लादुका पिंड है लादुका मंडी है नूरसमंद हूँ मैं पहुंचा राहत कैंपा के जोड़े लोग रह रहे हैं की उन्होंने तकलीफ मुश्किल आ रही है मुश्किल आके सुनी है जो उन्होंने लोड़ है वो उन्होंने पूछा भी तुम्हें किस चीज़ की लोड़ है वो जी उन्होंने दसी वो अभी जरा इन्हों पूरा करवावे जिड़ी भी चीज़ की लोड़ कोई भी चीज़ मंगे किसी चीज़ की लोड़ पैंदी है हर एक चीज़ इन्होंने वो उपलब्ध करवावे बच्चों भी मिले हैं साड़िया भैन मावं साढ़े बजुर्ग मिले ने साढ़े वीर मिले ने और पिंड वासी जिहड़े नूरसमंद दे ने और उधर लादुका पिंड वासी लादुका जिहड़े पिंड दे ने पिंड वासी बहुत ज़्यादा वेखो इन्हां लोकां दी मदद कर रहे ने मैं सारिआं दा इन्हां दा भी धन्नवाद करदा और इस तों बाद हुण जदों पाणी अज थोड़ा जिहा घटिआ है एक दो दिनां दे विच पाणी घट के निकलूगा इस बाद असीं गुरदौरी करावांगे जिहड़े फसलां ने जिन्ना भी नुकसान होया फसलों का जिहड़े जिमीदारां दा उन्हां नूं मुआवजा दित्ता जाऊगा और सानू पता लग्या जिहड़े घर भी बहुत सारे पिंडां दे विच डिगे ने कई घर तरेड़ा आई ने कई फर्श बैठ गए कई छत जड़िया बैठ गई ने वह सारा हूँ जो पानी निकल गया असी एक एक जरा घर का सर्वे करावे जिन्ना भी किसी का कोई नुकसान होया असी उन्होंने जी मुआवजे के रूप के राशि है जी देवे ताकि जो अपने कारोबार ने फिर तो दोबारा आपके खड़े कर सकते। पटियाला में किसानों ने पटियाला के कोऑपरेटिव बैंक के बाहर रोस धरना दिता। इस मौके उन्होंने किसानी कर्जा की वापसी बाबत नीति बनाने की मांग को लेकर रोस मुजहरा किया। इस मौके किसान आगुओं ने कहा कि जेकर उनका मसला हल ना किया गया तो वह तिखा संघर्ष विटणगे। गढ़शंकर पुलिस ने एक लड़की को पर्स खोहण वाले दोषी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार किया है। बीते दिन मनप्रीत कौर जो कि डाकघर में काम करती अपनी स्कूटरी उत्ते सवार होकर रावलपिंडी रोड तो अपने दफ्तर जा रही थी तो एक अणपछाता व्यक्ति उसका पर्स खो के फरार हो गया। मनप्रीत के दसण मुताबिक उसके पर्स में उसके जरूरी कागजात और एटीएम कार्ड सन। घटना तो बाद जदों अपने पिता नाल बैंक में एटीएम कार्ड बंद करवाने गई तो बदकिस्मती बैंक के बाहर उनकी स्कूटरी भी चोरी हो गई। जब इस घटना की इतलाह पुलिस को दी गई तो एसएचओ हरप्रेम सिंह ने अपनी टीम नाल डुगाई नाल इसकी जांच करके 24 घंटे तो भी पहला पर्स खोने वाले व्यक्ति रोहित को काबू किया उस कोलों पर्स बरामद करके बनती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में अज्ज लई इन्ना ही जांदे आंदे नज़र मारदे आं मौसम के हाल ते तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टिप दे नाल धन्नवाद।